नमस्कार, आप देख रहे हैं MSS न्यूज। मैं हूं आपके साथ बिस्टू राठौर। चलिए देखते हैं सबसे पहले सबकी खबर। प्रधानमंत्री आवास के लिए भटक रही वृद्ध विधवा महिला। घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव गोपालपुर में आज भी सरकार की योजनाओं का लाभ सिर्फ घूस देने वालों को ही मिल रहा है। इस गांव में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों ने आप बीती तहसील के अधिकारियों को सुनाते नजर आए। गांव पहुंचे MSS न्यूज के रिपोर्टर राहुल दीक्षित को गोपालपुर निवासी राम जानकी संकवा पत्नी स्वर्गीय जालिम्बा पुत्र महेश कुमार ने बताया कि हम गरीबों की कोई नहीं सुनता। गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ सबको मिल रहा है पर हमें नहीं मिला। जबकि राम जानकी एक गरीब विधवा महिला है जिसका घर गिरा पड़ा है, बैठने तक की जगह नहीं है। प्रधान और सेक्रेटरी का कहना है कि वह इस योजना के लिए अपात्र हैं। क्या नाम है तुम्हारा? राम जानकी। कहाँ रहती हो? गोपालपुर में। अच्छा, क्या दिक्कत है तुम्हारी? हमारा दिक्कत ये है कि घर में हमारा टूटा फूटा पड़ा है और हमारी कोई सुनाई नहीं होती, न प्रधान सुने और न कोई सुने, और हम दौड़े दौड़ लगाते हैं और हमारी कोई सुनता नहीं। तो सेक्रेटरी प्रधान क्या कहते हैं? यहाँ कहते हैं कि मतलब ईटा लगे हैं पक्के। अच्छा, तो तुम्हारे कुछ मतलब और आशा साधन नहीं है तुम्हारे जिससे घर बनवा सको? नहीं, कोई साधन नहीं है हमारे। तो क्या चाहती हो कि सरकार तुम्हारी मदद करे? हाँ, सरकार हमारी मदद करे, हम आप सरकार के मतलब दिक्कत है आपकी। मेरे घर में मेरा घर टूटा फूटा डला है और ये तो आप फेस टू फेस देख ही सकते हैं कि क्या स्थिति है घर की, मकान की। हमारे पिताजी दो चार ईंटें लगवा दिए लेकिन अब तो हमें बोन टीवी से ग्रस्त हूँ और मैं कुछ कर भी नहीं सकता, कमा भी नहीं सकता क्योंकि मुझे बोन टीवी से काफ़ी दिन हो गए ग्रस्त हुए। तो अभी तो पिताजी आपके नहीं है?